हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता। मेरा नाम है इंदर और आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में सभी अब अगले एपिसोड एपिसोड नंबर 15 15 परिजात का। आइए देखते हैं। आगे यही रो स्टेट एजेंट लोगों को बगैर पूछे मकान किराए पर देते हो और बड़ी जबरदस्त मूछे रखी है तूने। हैंडल है कौन सा तेल में लगाता तू? अरे भैया ये ऐसे बताएंगे नहीं, इनको घुमाओ के हाथ ऊपर करो और लगाओ इनकी फटी फिर समझेंगे। सर ये दोनों है मैडम, उस प्लाजा के आसपास सारा प्रॉपर्टी का काम यही दोनों करते हैं। सरगी सारा को भी अपार्टमेंट इन्हीं दोनों ने दिलवाया था। क्या हुआ, नाराज है? वो क्यों उधर है? वो उधर करा के पलटो क्या हो गया? शक्लों से कितने शरीफ लग रहे हैं।
कुछ बताया कि नहीं? फिलहाल तो नहीं मैडम, कोई पुराने माने कि किसी वाकिफकारी की जमानत पे अपार्टमेंट दिलवाया था वगैरह वगैरह। शक्लें कैसी मासूम है, कैसे शरीफ लग रहे, लेकिन शराफत की बात समझ में नहीं आती है। फिर बाद में बोलते हैं पुलिस वाले सख्ती करते हैं। लेके जाओ इनको गोदाम में उल्टा टांगो, क्योंकि आवाजें ना मिले दफ्तर तक आनी चाहिए। ना आई ना तो सिपाहियों की खैर नहीं है। जाओ इन्हें और जाकर उल्टा टांग दो। अभी अभी आता हूँ कुछ देर बाद। बहुत दिन हो गए, मेरे हाथों में भी खुजली हो रही है। चला चला मरे मार दे चला। वालेकुम। कैसी हैं? अरे साहब तुम बेटा तुम यहाँ कैसे पहुंचे? पुराने मोहल्ले से दोस्त के जरिए। कौन है शाइस्ता? बबली को ये बात का पता नहीं है शायद साहब। क्या कह रहे हैं आप? बेटी है हमारे। बेटी थी, 3 साल पहले घर छोड़कर भाग गई थी। मैं अपनी जात की बात पर यकीन कर भी लूं तो जमाना मानेगा? अरे छोड़ो जमाने की। फेलने दो, क्या करेगी अभी?
साहब जी, कब से तुम्हें आवाजें दे रहा हूं? गुरुजी ने बुलाया। अच्छा लोग तो नहीं है। चला ले आपको। आपने बताया कुछ क्या नहीं? जी मैडम, इन्होंने लड़की का सही सही पता बता दिया। उनके तो बोल रहे थे। आके देख कौन है। कौन आ गया? ओके चाहो
बहन के साथ जाना चाहो ये फैसला तुम्हें करना है, और यहाँ पे सब तुम्हारे फैसले का एहतराम करेंगे। अब क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है। बेटी के बाप को
शाइस्ता, मैंने कहा ना हमारी बबी नहीं। इस सोच समझने के लिए रेडी नहीं हूँ। रुला दिया जिसने। थोड़ा सा आराम कर लो, थक जा रहे हैं। आराम का वक्त नहीं है मालिक। वो पुलिस वाली उस लड़की तक पहुंच गई है जहां मारा था। ढूंढ ही लिया उसने। कहा था तुमसे मैंने कि ये पुलिस वाली कुछ कब दिखाएगी, और आखिर कब दिखाया था उसने। मैं तो कहूंगा मालिक, अगर कुछ अच्छे के लिए आप बाहर चले जाए तो वही दामन पकड़ती है जहाँ लिखी होती है। अगर तुम जाना चाहते हो आपके जीते जी नहीं जाऊंगा। हमारा तो अब जीने को जी नहीं चाहता, लेकिन तुम्हारे तो जीने के दिन है। जब भी जाना हो चले जाना, बताने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अच्छी अच्छी बोल रहा
वैसे लड़की का क्या सीन है? मुझे जाना होगा। क्या करेगा जाकर? अगर तुम लोगों तक पहुंच चुकी हो, सेंट बेरोस करीम पर हाथ डालना इतना आसान होता तो पुलिस इससे पहले 10 दफा गिरफ्तार कर चुकी हो। हुकूमत मिल जाएगी सारी। आज के मेरे रोज करी के रोकना मत। मैं रुक गया तो मैं सारी उम्र अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। मालिक को मेरा सलाम कर। ओके और कहना कि गुरु और उसके सारे वफादार उसके लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार। आज मुझे शिद्दत से एहसास हो रहा है कि अमीर वो नहीं जिस पर सोने और चांदी के ढेर हों। बहुत अच्छे कैरेक्टर्स हैं, कुछ भी बोल रहे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। इसके लिए एक कैरेक्टर हमेशा ऐसा था जो अपने को ही पसंद आता है, अभी एक है गुरु, एक कैरेक्टर निकला। बस मेरा बयान इस कदर है। तुम्हें क्या लगता है लड़की कहीं अपने बयान से मुकर तो नहीं रही? कोर्ट में इनका गौ से मार देना, ये तो पहले चुप्पी कर रही है। सोच लो बता मुनीर, अगर तू हाथ उल्टा पड़ गया ना तो हुकूमत के ऐवान में बहुत से उत्तर तो अपनी जगह से हिल जाएंगे। सर मुझे इस बात का एहसास है, मैं सिर्फ वही करना चाहती हूँ जो कानून की किताब में लिखा। क्या अब सर चोरन लेके जाएगी? मेरे को लगता है ये मालिक। परिजा आया।
पास ज्यादा वक्त नहीं है। मेरे पास बहुत वक्त है। सलाम है। हाँ तो तुमसे भी सबल नहीं हुआ, जंग लग गया गुरु को जो तुम्हें रोक नहीं पाया। अच्छा तो ये है परिजा, इसे साथ लेकर जाऊंगा। अच्छा अपने मालिक को कंपनी देना। सारे फैसले आप खुद ही कर लेंगे। एक कागज का पुर्जा आपके लिए हमारे पास भी है। All set ready. हमारे नदी बड़ी जिद्दी है, उनसे सबर नहीं हुआ। फिलहाल इसे साथ लेकर जा रही, लेकिन याद रखिएगा अगली बारी आपकी होगी। जाहिद परिजात पकड़ा गया, लेकिन अब परिजात का क्या होगा? मुंह तो नहीं खुलेगा मेरे को लगता है। और चला लेकर आओ इसे, बड़े दिनों से तलाश थी हमें इसकी। और चल जल्दी मेहमान खाने का ताला खोल। अब तो आज आया ना हमारे दिल के सारे अरमान निकलेंगे हमारे। चलो डाला है जल्दी से। इसका मालिक तो आज बच गया मैडम, मगर अब ये बचकर कहीं नहीं जाएगा। मुझे हमेशा कानून से दो हाथ आगे की सोचता, इसीलिए बैन उसका नहीं। पहले से ही जमानत का बस गिरफ्तारी का परवाना हाथ में लेके बैठ इसे भी छुपाने की कोशिश करेगा। अभी अगले दो तीन दिन छुट्टी है, अदालतें भी बंद होंगी। एक ही ये एपिसोड वन ऑफ द बेस्ट था, किसने रुलाया अच्छे से। इसने बहुत रुलाया यार, वो बबली वाला जो किस्सा पूरा वाक्य था एक नंबर। इतना परफॉर्मेंस वाइज बहुत अच्छा, स्टोरी वाइज जबरदस्त, गुरु का कैरेक्टर जबरदस्त, बहुत रुलाया। पर ये डीएसपी भी कुछ कम नहीं है भाई, सब क्या परफॉर्मेंसेस और क्या कैरेक्टर्स बनाए हैं, सब स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स। अब है ना मेरे को एक बुरा लग रहा है, लाइक मतलब बोलते ना जितना सब कुछ अच्छा हो रहा है एंड अभी ये पुलिस परिजन का नसीब ही खराब है बेचारे का, हमेशा गलत टाइम पे पहुंचता है। अभी वही हुआ, गलत टाइम पे आ गया यहाँ पे, तुमसे भी सब्र नहीं हुआ, जंग लग गया गुरु कैसे यार। और अभी तीन चार दिन तो अदालत भी बंद है, सब कुछ बंद। लेकिन अगर उसकी इतनी पहुंच है तो अदालत खुलवा लेगी, खुलवा लेंगे। बट स्टिल यार बुरा लग रहा है मेरे को उसके लिए। परिजन वो तो नहीं खोलेगा, वो तो नहीं खोलेगा, वो इतना तो वफादार है कि वो तो अपना खोलेगा ही नहीं, मर जाएगा वो नहीं खोलेगा। वैसे उसको मौत से डर नहीं लगता। बट बबली फाइनली चली गई, दिलावर। अब देखते हैं आगे क्या होगा परिजात की जिंदगी में, कहाँ छोटे से गांव में था, कहाँ अब जेल में पहुंच गया, बहुत लंबा कहाँ से कहाँ था, कहाँ हो गया और कहाँ पहुंचा। बहुत लंबा सफर तय किया है, क्या जिंदगी में खुशी मिलेगी परिजात को? मिलनी चाहिए यार, अभी बस हो गया, अब उनका स्ट्रगल मुझसे नहीं देखा जा रहा है। तो उसके लिए वेट करना होगा और एपिसोड्स का गाइस, तब तक वीडियो को लाइक सब्सक्राइब, क्लिक ऑन द बेल आइकॉन।